पुराणों में इसकी कथा बहुत विस्तार से आती है कि भगवान शिव जिस समय समाधि में बैठे और देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत हो जाते हैं, तो कामदेव स्वयं भगवान शिव की परीक्षा लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं। और बहुत प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उसका विस्तार से वर्णन किया है। कामदेव ने अपनी पूरी लीलाएं की, स्वयं वसंत ऋतु को साथ में लेकर के जाकर के अपने पंचबाणों के द्वारा भगवान शिव पर संधान करता है। और जब भगवान शिव का ऐसी स्थिति को देख करके भगवान शिव के मन में विकार उत्पन्न हुआ और भगवान शिव ने तीसरे नेत्र को खोल करके देखा, वास्तव में सभी देवता चाहते थे कि देवी सती का त्याग करने के पश्चात भगवान शिव पुनः दूसरा विवाह करें, क्योंकि उसी समय तारक नाम का एक असुर हो गया कि तारक असुर भयं तेहि काला। तारक असुर को वरदान है कि भगवान शिव के वीर के द्वारा उत्पन्न संतान ही उसका वध कर सकती है। तो भगवान शिव का जब विवाह हो तो उनके द्वारा संतान का जन्म हो, ऐसा देवताओं की प्रार्थना को मानने के लिए भगवान शिव ने मन में कामदेव को उत्पन्न किया गया, क्योंकि सती को त्यागने के बाद भगवान शिव विवाह करना नहीं चाहते थे। तो वहाँ पर जाकर के कामदेव ने अपनी लीलाएँ की, उस कारण से भगवान शिव को क्रोध उत्पन्न हुआ और उसी समय भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। शास्त्रों में एक कथा अमर मंत्र को लेकर के भी आती है कि जिस समय भगवान शिव अमर मंत्र माता सती को सुना रहे थे, पार्वती को, उसी समय वहाँ पर एक तोता बैठा हुआ है और वह भी माता सती कथा के बीच में सो जाती हैं और वह तोता हुंकार भरता रहा और भगवान शिव की कथा, अमर मंत्र की वह कथा चलती रही। अंत में भगवती सती ने पूछा कि प्रभु इसके बाद क्या हुआ, तो भगवान शिव ने कहा कि कथा तो पूरी हो गई, मंत्र तो पूरा हो गया। तब उन्होंने तीसरा नेत्र खोल करके देखा कि जब सती सो गई तो फिर कथा कौन सुन रहा था, उस अमर मंत्र को कौन सुन रहा था। तो उस समय भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र यानी जो ज्ञान का नेत्र है उसको खोल करके उस तोते को देखा, तो कामदेव को देखा तो कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। और जब उस तोते की तरफ देखा तो उससे सुखदेव का जन्म हुआ। ये बड़ी विस्तृत कथाएं हैं, चैनल के माध्यम से वह सब कुछ समय को देखते हुए विस्तार से कथा करना संभव नहीं है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।